yeah, man. You can. बारिश तो बहुत आई है पूरा 15 ये बारिश का पानी है सारा अभी भी बारिश नहीं रुकी आता अम्मी की तबीयत की में है कमजोर था ठीक है काफी तू ख्याल कहने रखा अम्मी का है सर हवेली पानी काफी सारा ठीक है ना बारिश इतनी है बारिश बहुत ज्यादा है होनी बादल बने वदन कोई पता नहीं कि बारिश आ रहा अम्मी की तबीयत हूँ पहले की ज्यादा खराब थी कमजोर थी काफी ज्यादा चलो हूँ मैं आ गया ना टेंशन आ गया हूँ मैं कहीं तेरे अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स तो कैसे हैं आप उम्मीद करती हूँ मैं सब बहनें और भाई खैर खैरियत से होंगे इसी दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करना है तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं मेरे मियाँ जो है घर आ गए हैं वो 7 दिनों के बाद जो है घर आए हैं तो वो अम्मी के साथ जो है बैठ कर बातें कर रहे हैं तो चल के उनसे पूछते हैं उनका सफ़र जो है कैसा रहा है मैं अम्मी से पूछ रहा था कि बारिश कब से हो बारिश तो बहुत ज्यादा दिनों के बाद जो है हो रही है और मौसम बहुत अच्छा रहता पे सारे को जी परेशानी है वक्त बढ़ गई ना हम वक्त को ये बीमार अम्मी दी हूं तब बैठ के मैं सही हां सही है वो गो जान तो मैं की तरह सडे गिनाया सब सरकार चल गया से के ना अब बोले मैं गया से रख के दे अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स तो व्यूअर्स माशाल्लाह से घर जो है मैं आ गया हूँ और बारिश में भी बस आया हूँ तो कपड़े वगैरह सब भीग गए हैं और बैग में भी पानी चला गया भी बस तो जब बारिश आई थी उस टाइम मैं साइड पे थोड़ा ठहर गया था मैंने कहा थोड़ा कम हो जाए बारिश तो फिर जाऊँगा तो बस इनको मैंने कॉल कर दी थी पहले कि मैं जो है आ रहा हूँ तो मैंने इनसे पूछा था अगर कोई चीज़ लेनी है तो उन्होंने कहा कि आप आ जाएँ फिर जो है अगर कोई चीज़ ज़रूरत होगी तो मंगा लें मैंने कहा चले सोच रहे हैं कि आप जो है जल्द आ जाए क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं कि सारी रात और सारा दिन जो है तो भी बस बारिश जो है ना ये हमारे गांव में नहीं मैं शहर से आया हूँ ना तो उधर भी जो है विवाज आप यकीन माने बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है शहर में गलियों में पानी ऐसे जा रहा है ना जैसे नहर का और जो है किसी मकसद बड़े दरिया का पानी हो ना इस तरीके से विवाज पानी जा रहा है किस तरह जो है रह रहे होंगे तो विवाज बहुत मुश्किल है शहर में रहने वालों को बहुत मुश्किल हो रही है कि गलियों में जिनके घर है ना तो विवाज उनके घरों में जो है पानी चला जाता है आपके पास बिजली है बिजली 2-3 दिन हो गए हैं खंबे में गिर गए हैं और बार अच्छा तो विवाज अभी मैं आया हूँ ना तो मकसद देखूंगा गांव में हमारा क्या सूरत हाल है वैसे बेगम बता रही है कि 4-5 दिन हो गए हैं बिजली भी नहीं आई हमारे यहाँ खंबे वगैरह जो है विवाज सब गिर गए हैं और दरख्त वगैरह और काफी चीजें जो है मकसद गिर गए ज्यादा जो नुकसान हो गया है हमसायों में उनके जो है घर गिर गए हैं उनके जानवर भी थे तो बहुत ज्यादा जो है उनके लिए परेशानी बन गई है अच्छा अम्मी की तबीयत अम्मी को तो मैं देखो आगे अम्मी का क्या रखा कह रही मेरे को जरा कोई चीज के मैं दो की ते ना घर पे ही काम करें सुहाना भी गई थी आपके साथ दवाई लेने सुहाना नहीं गई थी मैं अकेली गई थी सुहाना घर होगी ना ठीक है चलो तो विवाज असल में जो अमीरी और गरीबी होती है ना ये अल्लाह की तरफ से होती है और हर हाल में विवाज शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह पाक का तो जिस हाल में भी जो है अल्लाह पाक रखे उस हाल में शुक्र अदा करना चाहिए तो जिनको अल्लाह पाक ने दी है तो वो भी मकसद है कि शुक्र अदा करें कि मैं चला गया था मजबूरी थी और जो है उधर मुझे काम भी मिल गया था ये भी मसला नहीं था काम भी उधर ठीक था और जब इनकी वीडियो आई कि अम्मी बीमार हो गई थी मैंने इनको फौरन से उसके बाद कॉल की थी तो इन्होंने कहा कि अम्मी आपके जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन ले गई थी दिमाग पे और काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी बस बेगम ने मुझे कॉल करके बताया था कि रात को जो है छुप के रो रही थी तो इस वजह से मुझसे जो है रहा नहीं गया
तो मैं जो है मकसद इस काम इस जैसे काम का क्या फ़ायदा, जो प्रदेश में रह के अपनी अम्मी का अपने घर वालों का जो है मैं ख्याल ना रख सकूं। अब जो है वो कमज़ोर हैं और बुढ़े हो गए हैं, ठीक है, तो अब हमारा फ़र्ज बनता है कि हम इनके साथ रहें और इनके हर दुख सुख में जो है हम साथ हैं। हाँ, मैं तो जब आप जा रहे तो मैंने तो आपको कहा था कि आप जो है यहाँ पर जो है काम ढूंढ लें, और अभी मैं कहती हूँ कि आप जो है यहीं पर जो है काम ढूंढ काम लें। तो मुझे इधर उस टाइम भी मिल गया था, मकसद इधर काम विवश मिल जाता है, काम बस वही घर चलता है मुश्किल से, बस जो भी है ना जैसे भी है जैसे गुजारा होगा, रूखी होगी सूखी होगी जैसे भी होगा अल्लाह पाक का शुक्र अदा करेंगे, ठीक है ना। तो इधर घर में इंशाल्लाह विवस इनके साथ रहूँगा, अगर मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं होती, अगर मेरा कोई जैसे ये सुहाना है ना इस जैसा विवस अगर मेरा भाई होता ना छोटा, तो मुझे फिर जो है किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी, तो वो अम्मी के साथ होता और अम्मी जो है खुश रहती तो फिर कोई मसला नहीं होता। मैं भी जा रही थी, मेरा तो दिल भी नहीं लग रहा था तो विवस ये भी कह रही थी कि मैंने जाना है, मैंने कहा आप जाओगी ना तो फिर उधर ही रहोगी, ठीक है, आप मेरी अम्मी का ख्याल नहीं रखोगी तो मैं जो है मकसद है कि आपका क्या करूँगा, ये है मेरी बेगम मकसद है कि समझदार है माशाल्लाह से, उसको इस चीज़ का पता है। चलो अभी सब खुश हैं, ठीक है, तो रोज़ी को तो अल्लाह पाक के हाथ में बस कि एक दर बंद तो सौ खुले, इंशाल्लाह वही देने वाला है जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है ना, तो रिस्क भी वही हमें देगा, हमें इस चीज़ की टेंशन नहीं है। तो मैं यकीन माने विवश के जो है मैं बहुत हैरान होता हूँ उस लोगों पे जो प्रदेश में रहते हैं ना, तो उनकी हिम्मत है विवश। शादी के पहले मैंने भी प्रदेश में गुजारा है, ठीक है, तो उस टाइम अम्मी की सेहत कुछ अच्छी थी और अब्बू भी जो है ठीक थे, उस टाइम काम शाम करते थे तो निज़ाम जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। तो आप जब से ये नहीं सोचते होंगे कि अब जो है मेरा घर बन गया है और मुझे जो है वहीं रहना चाहिए, आप यही सोचते होंगे और मैं भी यही सोचती हूँ कि मेरे मियाँ जो है कहीं ना जाएं और घर में जो है अल्लाह पाक इतनी फुर्सत देगा कि आप अपना कोई रोज़ी का वसीला बना सकें। चलो बस अभी कपड़े वगैरह भीग गए हैं, तो मकसद है कि कल रात से उधर मैं आया हूँ ना, तो सफ़र में तकरीबन जो है कल शाम से बैठा हूँ, तो आज जो है 2-3 बजे इधर पहुँचा हूँ, तो सारा रास्ता भी बारिश थी और जहाँ उतरा हूँ अभी जो बारिश आई है आप कहाँ पर गए थे तो वहाँ भी बारिश थी, और जब अब मैं अपने गांव में आके उतरा हूँ ना तो यहाँ भी बस बारिश आ रही थी, तो अल्लाह पाक की रहमत वैसे दुनिया भर में हो रही है। तो ये है कि मकसद है कि हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक ने जितनी ये रहमत बरसा दी है बहुत है, क्योंकि गांव में इधर फसलें बहुत ज़्यादा हैं विवश, तो नुकसान हो जाता है काफ़ी, इधर तो मकसद बिजली चली जाए तो पानी की टेंशन, और रास्ते जो है वैसे भी कच्चे हैं पक्के तो हैं नहीं विवश, तो जिनके पास सवारियां हैं वो भी बेचारे परेशान हैं जाने के लिए ऐसे ना, तो वैसे विवश इधर नुकसान कोई हुआ तो नहीं हम सारे हुआ है।